अपने मामा की शादी में जाना एक 5 वर्षीय मासूम को समय महंगा पड़ गया जब एक बस ने उसे रौंद दिया। बुधवार की सुबह करीब 11:30 बजे के दरमियान हुई इस घटना से शादी का माहौल मातम में बदल गया। घटना के बाद आरोपी बस चालक फरार हो गया था। हालांकि देर रात कार्रवाई कर हुड़केश्वर पुलिस ने आखिरकार आरोपी बस चालक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक निहते ने अधिक जानकारी साझा की। बुधवार की सुबह करीब 11:30 बजे के दरमियान कहाना सेलिब्रेशन में सलाई मुकासा तालुका पारशीवाणी से एक बारात आई थी। जब बारात हॉल के सामने खुशियां मनाते हुए नाच रही थी तब बारातियों में से ही एक व्यक्ति ने पैसे उड़ाए। उस बीच 5 साल का शुभम काकड़े नामक एक मासूम बच्चा गिरे हुए पैसों को उठाने के लिए गया, तभी अचानक दूसरी ओर से एक बस वहां से गुजरी और बच्चे को बस का धक्का लगने से वो वहीं गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल बच्चे को अस्पताल ले गए। हालांकि खून ज्यादा बहने से बच्चे की मौत हो गई और चंद मिनटों में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते ने अधिक जानकारी साझा की। कल दुपारी सुमारे 11:30 बजे सुमारास हुडकेश्वर पोस्टे हद्दी मधील उमरेड रोड वरील कान्हा सेलिब्रेशन लॉल या ठिकाणी सालई मोकासा तालुका पारशिवनी या ठिकाणून एक लग्नाची वरात आलेली होती। त्या ठिकाणी सेलिब्रेशन हॉलसमोरच लग्नाची वरात रोडवरून येत असताना वरातीमध्ये काही लोकांनी पैसे उधळले आणि त्याच पैशाची त्यातील एक नोट उचलण्याकरता एक त्याच वरातीमधला एक मुलगा शुभम साजन काकडे वय 5 वर्ष हा रोडकडे पळाला आणि त्याच वेळेस उमरेडकडून एक खाजगी ट्रॅव्हल्सची बस येत होती, त्या बसचा त्याला धक्का लागला, त्याच्या डोक्याला गंभीर जखम होऊन त्याला तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं होतं, पण ओव्हर ब्लीडिंगमुळे अतिरक्तस्रावामुळे त्याचा तिथे मृत्यू झाला। सर बसचा चालक सूरज कांबडी याला अटक करण्यात आलेली आहे। घटना के तुरंत बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने तत्काल इस मामले में कार्रवाई कर देर रात आरोपी सूरज कांबडी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।